नमस्कार दोस्तों, मैं हपकरमान और अपने YouTube चैनल मिस्टर पठानी में आपका स्वागत करता हूं। आज करने जा रहे हैं हम नॉइस की न्यू लॉन्च कलरफिट प्रो 4 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो इस तरह से इसका बॉक्स है। सबसे पहले देखिए 1.72 HD इसकी टच स्क्रीन है, 356x4 PX इसका रेजोल्यूशन है, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ है, ब्लड ऑक्सीजन डिजिटल क्राउन 100% स्पोर्ट्स मोड है, IPS है, कॉलिंग SMS क्विक रिप्लाई है, एनिमेटेड वॉच फेस है, डी वाइन की कलर है। और ये कुछ आप देख सकते हैं कि ऐप स्टोर पर से आप इस तरह से और लिसन टू नॉइज। और पीछे आप देखिए इसकी क्वांटिटी वगैरह है कि बॉक्स में क्या क्या क्वांटिटी मिलेगी आपको देखने के लिए, और साथ ही साथ इनका जो कंपनी है उनका एड्रेस भी लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। और इस तरह से कुछ ब्रीफली यहाँ पे नीचे सीरियल नंबर वगैरह दिए हुए हैं प्रोडक्ट के। तो चलिए सबसे पहले अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले कटिंग शुरू करते हैं। ये पार्ट मुझे सबसे बेटर लगता है कि इस तरह से रैप को जो कि फाड़ना और बॉक्स को अनरैप करना इस तरह से, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और ये कलर काफ़ी अच्छा है, और मैं हमेशा से कलरफुट प्री 3 जो सीरीज़ और यूज़ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है 4 सीरीज़, और फर्स्ट टाइम ही मैंने इसका पहला ही प्रोडक्ट इसको मैंने बाय कर लिया है। तो डीप वाइन कलर है इसका, काफ़ी अच्छा कलर है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं अनबॉक्स। और ये ऊपर से हम देख लिए, ये जो नॉर्मली जो इसमें आपको कार्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यूज़र मेनू कार्ड्स और कुछ स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यूज़र मेनू कार्ड है। और ये सबसे पहले ये देखिए एक नॉइज़ के जो CEO हैं उनकी तरफ से एक वेलकम कार्ड है। तो चलिए, और दूसरा वेलकम कार्ड है, और दूसरा बाकी जो मैनुअल्स नॉर्मली होते हैं कि वॉच किस तरह यूज़ करना है वगैरह वगैरह, ये वारंटी कार्ड आ गया आपका, इस तरह से रजिस्टर वारंटी कर सकते हैं आप अपना। और ये हमेशा से जो मेरे पसंदीदा नॉइज़ स्टिकर्स नॉइज़ मेकर के, तो मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे पास जैसे कि एयरबड्स भी हैं, हेडफोन्स भी हैं, और स्मार्ट वॉचेज हैं, तो ये स्टिकर्स सभी के साथ आते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट में आप कुछ ब्रीफली बताया गया कि ये ब्लूटूथ कॉलिंग किस तरह से यूज़ करना है आपको, और इस कार्ड को भी हम निकाल के साइड कर लेते हैं। अब सेकेंडली ये आ गई नीचे, हाँ ये देखिए आप इस तरह से इसको अपने ब्लूटूथ फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से ब्रीफली आपको बताया गया है कि थोड़ा सा, मतलब कि आप जैसे आपको पता ही है स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है, जो नए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा यूजेबल होता है। और ये वॉच को हम पहले साइड रखते हैं, नीचे देखते हैं। नॉर्मली बात है कि नीचे आपको ये चार्जिंग केबल मिलेगी। अब जो मेन स्मार्ट वॉच को हम निकालते हैं भाई साहब, और ये देखिए जो स्ट्रैप है और जो वॉच है, वाह 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 क्या बात है। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है, और ये डी वाइन कलर काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बकल भी काफ़ी, और एक स्पेशली जो कलर है ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, डी वाइन हल्का सा रोज़ गोल्ड जैसा आपको फील करेगा, लेकिन पूरे तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी है। देखिए यहाँ पे लोगो दिया गया नॉइज़ का, यहाँ पे नॉइज़ लिखा गया है, और काफ़ी अच्छा है, और पीछे भी लिसन टू विदन लिखा गया है। और ये आ गया भाई आपकी, चलो सबसे पहले इसे अनरैप करते हैं, और अनरैप करके इसको हम देखते हैं। वाह जी वाह क्या बात है, मेटल बॉडी है, और पीछे ये सबसे फर्स्ट टाइम ही देखा गया कि पूरे जो कलर है उसी हिसाब से पूरा ग्लॉसी बैक जो बैक कलर दिया गया है ग्लॉसी की तरह, अदरवाइज हमेशा पीछे ब्लैक होता है हर स्मार्ट वॉच के, लेकिन इस बार इन्होंने ग्लॉसी दिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये सेंसर्स आ गए, और काफ़ी अच्छी वॉच लग रही है, और कलर भी काफ़ी प्रीमियम है, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा 1.72। और ये जो इस बार इन्होंने फंक्शनल क्राउन दिया है, ये क्राउन से आप यूज़ कर सकते हैं, ये मैं जो स्मार्ट वॉच ऑन करके आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें इसे एक बार चार्ज करना होगा, उसके बाद ही ये वॉच है जो कि ऑन होगी। सबसे पहले से हमें हल्का से चार्ज कर लेते हैं। तो ये लीजिए चार्जिंग केबल के साथ मैं अपना जो पावर बैंक है सैमसंग का उसे अटैच कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा पावर बैंक है, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इस तरह से अब हम इसे करते हैं ऑन, ये हो गई जी ऑन अपनी, और 94% है। तो ये आ गया अपना स्कैन कोड, तो सबसे पहले हम वॉच को स्कैन कर लेते हैं नॉइज़ फिट का जो ऐप है उसके साथ। नॉइज़ फिट का ऐप ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ दूसरी वॉच के साथ, तो ये आ गया जी नॉइज़ फिट का ऐप। तो इस तरह से मैंने पेयर कर लिया है, अब इस पेयरिंग हो रहा है, और पेयरिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे ऐप थ्रू। ऐप काफ़ी अच्छा, काफ़ी पुराना ऐप है। तो ये पेयर हो गया है अपना, और इससे पहले भी मैंने नॉइज़ फिट कलर प्रो 3 और एक्टिव
ये मैंने इस स्मार्ट वॉच पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी इस नॉइज़ फिट एक्टिव जो ऐप इस पे यूज़ कर रहा हूँ, कलर फ्रूट पर 3 भी और एक्टिव भी, तो काफ़ी अच्छा है। तो अब यूज़ करते हैं, ये ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। अभी देखिए ये OT अपग्रेड आ रहा है, डाउनलोड फ्रॉम फेयर, मतलब कि एक अपग्रेडेशन आई है जहाँ हम पहले अपग्रेड कर लेते हैं, अपग्रेड हो चुका है। अब देखिए नोटिफिकेशन अलर्ट्स आ गए हैं, ये चेक फॉर अपडेट्स, मैं एक और चेक कर लेता हूँ कि और कोई अपडेट्स नहीं, क्योंकि ये न्यूली वर्जन जो भी आपके सामने मैंने अभी डाउनलोड किया है। और ये नोटिफिकेशन अलर्ट्स देख लीजिए, इस तरह से नोटिफिकेशन सभी को क्लिक आप करके अलर्ट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। ब्लूटूथ कॉलिंग को आप अलग से, इन्होंने अलग से एक ऑप्शन दिया आपको ब्लूटूथ कॉलिंग सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह, तो आप इसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको अगर ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं चाहिए तो आप ऑफ़ कर सकते हैं, अगर चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे फीचर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे कलरफुट प्रो 4 में। तो चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं इस फ़ोन इस वॉच के और भी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो इस तरह स्वाइप करने से देखिए आपको ब्लड ऑक्सीजन, आपके जो स्लीप मॉनिटरिंग उसके डिटेल्स डाटा मिलेगा आपको, और ये आपके फीचर्स आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से आपको पुश करना है क्राउन को, और अब मैं क्राउन को जो है कि स्क्रॉल करके देखता हूँ। ये देखिए इस तरह स्क्रॉल करने से अप डाउन जो आपके फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इस तरह से अप डाउन करेंगे आपको सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट टाइम है। और इस तरह से आप वॉच फेसेस को भी क्राउन करके आप चेक कर सकते हैं, देखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा है इसमें फ्रॉम फंक्शन, सबसे फर्स्ट टाइम ये। तो चलिए एक एक करके अब हम है जो कि सारे फीचर्स को देख लेते हैं प्रॉपर में। तो ये जो फंक्शनल क्राउन है, ये फर्स्ट टाइम नॉइजी किसी वॉच में देखने को मिला, और अच्छा है। इस तरह आप स्क्रॉल करते रहो, जो फंक्शनल क्राउन बोलेंगे, सबसे पहले जो नॉइज़, ये देखिए आपके ये एक्टिविटी, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्रीथ के ये सारे इसमें फीचर्स आ गए हैं। देन आपके नॉइज़ बज में यहाँ पे देखिए, आप कॉल हिस्ट्री के कॉन्टेक्ट्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं यहाँ से किसी को भी कॉल वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे अपने अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और नीचे आपके ये देखिए क्लॉक आ गया, आप टाइमर वगैरह लगा सकते हैं। और ये आपके स्पोर्ट्स मोड आ गए हैं, रनिंग स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट्स मोड में आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर इन साइड भी आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। 100+ स्पोर्ट्स मोड हैं ये, देखिए इस तरह से आप किसी को भी क्लिक कर लीजिए, जैसे साइकिलिंग क्लिक है, साइकिलिंग इन साइड देखिए इतने सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये देखिए आप स्पोर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना, कोई भी जो आपका आपने जो डाटा कलेक्ट किया है। और ये देखिए वर्कआउट है आपका, रिमाइंडर्स आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं, कुछ भी आपको अपने कोई फंक्शन या किसी भी चीज़ का रिमाइंडर डालना है। ब्लड ऑक्सीजन आ गया आपका, ब्रीथ आ गया है, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से आप अपना। उसके अलावा वेदर चेक कर सकते हैं, जैसे अभी 38 डिग्री सेल्सियस है अभी यहाँ का वेदर मेरी सिटी का। और वॉच फेसेस हैं, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्मार्ट वॉच से भी चेकआउट करते हैं, और ऐप से भी आप अपना इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए नीचे आपको और भी सारे फीचर्स मिलेंगे, फ्लैश लाइट है, स्टॉक्स के फीचर्स हैं, फ्लैश लाइट इस तरह से, कुछ आपको हल्के से अंधेरे में कुछ लाइट चाहिए तो इस तरह से हो जाएगा। अब मीन्स हम जाते हैं सेटिंग्स में इसकी, और सेटिंग्स में जाएंगे, ये देखिए सेटिंग्स में आपको ब्राइटनेस आ गया, रिंगटून है, वाइब्रेशन का है। रिंगटून वाइब्रेशन में आपको रिंगटून्स नहीं मिलेंगे, वाइब्रेशन करने का सिर्फ ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। कलर प्रो मैक्स में है ये ऑप्शन। इसके अलावा मेनू व्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, अबाउट कॉल चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें वो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप डू नॉट डिस्टर्ब कर सकते हैं, QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ, रीसेट यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए। और काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें। और अभी अगर हम नीचे से ऊपर को जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। साइलेंट मोड है आपका, सेटिंग्स आ गई, बैटरी परसेंटेज आ गई, कुछ इस तरह से फीचर्स हैं। अगर अब हम अप से डाउन जाएंगे साइड में तो आपको बता ही दिया, जैसे आप अगर अप से डाउन जाएंगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरह से फीचर्स हैं इसमें, तो जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस पूरे स्मार्ट वॉच की तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, काफ़ी बढ़िया है। अब हम इसे कॉलिंग टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए कॉलिंग टेस्ट करने के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, आप पता चलेगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं कॉलिंग करने के वक्त, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे अभी एक मैंने कॉल किया, ये देखिए आपको कट और पिक का कॉल है, साइलेंट करने का कॉल, और क्विक रिप्लाई भी का भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको नॉइज़ के किसी फर्स्ट वॉच में। यहाँ से आप क्विक रिप्लाई करते कहना है कॉल यू लेटर, जैसे क्विक रिप्लाई हो गया। और मैं अभी आपको फ़ोन पर भी चेक करके बताता हूँ कि वहाँ पे किक रिप्लाई का ऑप्शन
आपको देखने को मिलेगा मैसेज में। ये देखिए, ये समय मैसेज भेजा था यहाँ पर आ गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि क्विक रिप्लाई का, अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पुश इस क्राउन बटन को दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो रिबूट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें मैंने पावर ऑफ़ कर दिया अभी, तो ये पावर ऑफ हो चुका है। अगर इसमें अलेक्सा फंक्शन होता तो ये क्राउन बटन काम नहीं करता। अभी मैं आपको क्विक रिप्लाई फ़ोन का दिखाया था, अभी मैंने आपको मैसेज का दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने मैसेज किया है तो यहाँ से मैं क्विक रिप्लाई कर देता हूँ, मैसेज का रिप्लाई दे देता हूँ। जैसे मैंने फ़ोन का दिया था, जैसे मैंने रिप्लाई मैसेज का भी दिया है। और ये देखिए, मैं फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं, ये उस मैसेज का रिप्लाई का आप स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, ये आ चुका है। तो इस तरह से आप इसमें क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वॉच काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है।